अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 11। तो आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को कैसे इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट पॉलीगॉन इन डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से पॉलीगॉन को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। पॉलीगॉन को बेसिकली इंसर्ट करने के बाद उसका आप पॉलीगॉन का डायमीटर किस तरह लेते हैं, उसका रेडियस किस तरह आप मेजर करते हैं, और पॉलीगॉन के बारे में बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ हम डिस्क्रिप्शन से देखेंगे, काफ़ी कुछ हम डिटेल से देखेंगे पॉलीगॉन क्या होता है, किस तरह उस पर काम किया जाता है। तो उसके लिए मैं अपना ऑटोकैड ओपन करता हूँ। तो ऑटोकैड पे आया मैं, आज के लेसन में हमने पॉलीगॉन देखने हैं। तो पॉलीगॉन की जो शॉर्ट की है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी पॉलीगॉन को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पी ओ एल एंटर करेंगे आप, इससे भी आप अपने पॉलीगॉन इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम तीनों मेथड से हम देखते हैं पॉलीगॉन को। तो पॉलीगॉन में सबसे पहले मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, पॉलीगॉन सिलेक्ट किया। अब इसमें कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो आपने नंबर ऑफ साइड्स एंटर करनी है। तो बाय डिफॉल्ट पॉलीगॉन जो होता है उसकी जो साइड्स वो बताता है वो 4 साइड्स बताता है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी आप एंटर नंबर ऑफ साइड्स पे आपने कोई भी साइड्स दे सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी साइड देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी एंटर नंबर ऑफ साइड में 5 साइड देता हूँ, इसे एंटर एंटर करता हूँ। कहता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, और अब हमें कह रहे हैं कि स्पेसिफाई सेंटर दें। बेसिकली जो पॉलीगॉन होता है वो भी सेंटर वाली शेप की तरह होता है। तो आप क्या करो, स्पेसिफाई सेंटर के लिए जहां पे भी क्लिक करोगे वो सेंटर पॉइंट बन जाएगा। मैंने यहां पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट बन गया मेरा। अब यहां पे ये कह रहा है, आप देख सकते हैं कह रहा है एंटर एन ऑप्शन। सबसे कह रहा है इंस्टेप्ड इन सर्कल या सर्कमस्क्रिप्ट अबाउट सर्कल, क्या आपने इंस्क्रिप्ट करना है या फिर सर्कमस्क्रिप्ट करना है, आपकी मर्जी है। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट होता है अगर आप क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो वो होता है इंस्क्रिप्ट इन सर्कल, ठीक है। तो मैं आई प्रेस करता हूँ या फिर डायरेक्ट आप एंटर करो तो इसी में आप आ जाएंगे। तो मैं आई प्रेस करके एंटर करता हूँ। अब स्पेसिफाई रेडियस कह रहे हैं कि रेडियस कितना होना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसे देता हूँ जी 4 फुट रेडियस दे देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास एक रेडियस बन गया, हमारे पास सॉरी एक पॉलीगॉन शेप बन गई है। तो पॉलीगॉन शेप आप देखें, यहाँ पे पॉलीगॉन शेप बन गया है, उस पर नंबर ऑफ साइड्स हमने दिए हैं, 5 नंबर ऑफ साइड दिए, 5 नंबर ऑफ साइड्स आ गई हैं। आप इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलीलाइन लेता हूँ मैं यहाँ से, इसमें क्या क्या काम कर सकता हूँ। पॉलीलाइन पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया, आप इसके नंबर ऑफ इस पर क्लिक करते जाओ, मुख्तलिफ किस्म के आप अच्छी अच्छी शेप्स भी बना सकते हो उसके थ्रू। यहाँ पे देखो एक स्टार बन गया, आप देख सकते हैं एक मैंने स्टार की शेप बनाई और एक्यूरेट सही बिल्कुल एक्यूरेट सॉफ्ट स्टार बनाया मैंने यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टार है जो भी चीज़ें बना सकते हो। अच्छा, इसका आपने रेडियस चेक करना है, फॉर एग्जांपल आप रेडियस चेक करना चाहते हैं आप, तो आप इसका रेडियस भी चेक कर सकते हैं। तो रेडियस चेक करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह आप रेडियस चेक करेंगे। तो रेडियस के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डायमीटर में मैंने हमने प्रीवियस लेसन में जो प्रीवियस लेसन में थे उनमें हमने डायमेंशन टूल बार पर डिस्कस की थी। तो डायमेंशन टूल बार में हमारे पास देख रहे हैं रेडियस, रेडियस पे क्लिक करें आप। तो आप यहां से रेडियस पे क्लिक करें, लेकिन ये रेडियस तो हमें बताया नहीं रहा। तो बेसिकली जो रेडियस बताया जाता है वो राउंड शेप के लिए बताया जाता है। तो आप इसका रेडियस चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, आप इसका रेडियस आप देखें यहां पे पेयर्स नहीं बन रहे हमारे पास, 5 हमने जो इसके नंबर ऑफ साइड्स दिए वो 5 दिए। तो जब आप 5 साइड्स देते हो तो उसमें ये पेयर नहीं बनते इजीली। मैं फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे पॉलीगॉन शेप इंसर्ट करता हूँ, मैं आपको दोनों में डिफरेंस करके मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह जो है तो अपने पॉलीगॉन शेप में आप देख सकते हो इसके, आप एक्यूरेट रेडियस देख सकते हो कि रेडियस किस तरह हमने दिया हुआ है। तो मैं पॉलीगॉन शेप में भी क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ साइड में 6 दे देता हूँ, यहाँ पर पेयर बन सके, मतलब 2-2 के पेयर बन सकते हैं हमारे पास 6। और मैं एंटर करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मैंने ये वाला स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट दे दिया और एंटर कर देता हूँ, 4 ही करता हूँ एंटर। स्पेसिफाई रेडियस और सर्कल कितना देता हूँ मैं, 4 देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे आई थिंक 4 इंच दिया है, दोबारा मैं रेडियस लेता हूँ, सॉरी पॉलीगॉन लेता हूँ,
नंबर ऑफ साइड 6, एंटर, स्पेसिफाई पॉइंट, नेक्स्ट आई एंटर, स्पेसिफाई रेडियस आर सर्कल 4, एंटर, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे आपने क्या करना होगा, आपने रेडियस इसका चेक करना है, तो रेडियस के लिए आप लाइन लो, हेल एंटर, सॉरी हेल एंटर, इसका यहां पे सेंटर पॉइंट। अब बेसिकली मेरे पास सेंटर ये पॉइंट ही बता रही है, सिर्फ दो पॉइंट बता रहा है, तो आपने इसके पॉइंट लाने के लिए आप क्या करो, यहां पे आप ओ स्नैक्स पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, सेलेक्ट ऑल, ये जितने भी हमारे पास पॉइंट है इन्हें शो करे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप ओके कर दो, हमारे पास ये सारे पॉइंट बता रहे हैं। यहां से मैं जाता हूं मिड पॉइंट, और यहां पे भी मेरे मिड पॉइंट में आ गया, यहां से ये पेयर बना रहे हैं यहां पे। अब ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से आप क्या करो, सर्कल लो, एंटर, और यहां पे आपने इसका रेडियस कितना देना है, हमने कितना दिया था, 4 दिया था, तो आप 4 प्रेस करके एंटर कर दो, सॉरी यहां पे रेडियस कम दे रहे हैं, दोबारा मैं जाता हूं, आप मैंने यहां पे रेडियस देना है, बेसिकली सर्कल का मैंने रेडियस देना चाहता हूं, तो आप डायमीटर, आप रेडियस के लिए आर एंटर करना है, हमने आर एंटर, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल 4 दिया हमने, 4 4 फुट, ठीक है। अब देखें यहां पे हमारे पास 4 फुट का मैंने दिया था, बेसिकली जब आप ओनली 4 एंटर करते हो पास टाइम, तो उसमें जो ये इंच में चला जाता है, हमने बेसिकली इंच में नहीं जाना, हम फिट में जाते हैं, तो साथ में फिट भी लगाना जरूरी होता है। अब देखें एक्यूरेट हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कॉर्नर, इसके रेडियस इसके सर्कल साथ मिल रहे हैं, तो मेन हमारा रेडियस बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, हमने जो पॉलीगन को रेडियस दिया वो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं इसी तरह बनाना चाहता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ, जो मैंने काम किया, मैं यहाँ से 5 है ना, मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ देख देता हूँ, तो मेरा सेंटर पॉइंट तो नहीं आ रहा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जब आपके पेयर्स ना हो, आपको सेंटर पॉइंट ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, एल एंटर, एंड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लें, यहां से इसका एंड पॉइंट, सामने वाले का मिड पॉइंट ले लें आप, इसका एंड पॉइंट या मिड पॉइंट, यहां पे दूसरे का एंड पॉइंट, ठीक है, यहां पे इसका अपने एंड पॉइंट और सामने वाले का मिड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और सामने वाले का मिड पॉइंट। अब देखें बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये जो सेंटर पॉइंट है, यहां पे आप रेडियस इसका एंजिट करें, तो उसके लिए आप सर्कल लें, मिड पॉइंट और 4 फुट दे दें इसे, देखें एक्यूरेट हमारे पास इसमें भी ये बता रहा है। तो ये मेथड होता है आपका रेडियस चेक करने का, आपने पॉलीगन शेप में आप रेडियस को किस तरह चेक करते हो, तो उसका ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास दोबारा में आप पॉलीगन, अब मैं कमांड के थ्रू पॉलीगन इंसर्ट करता हूँ, या फिर आप ड्रॉ टूल बार में जाओगे, यहाँ पे आप देखें पॉलीगन है, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप पी ओ एल इंटर करोगे, कमांड है जो इसकी पी ओ एल इंटर, नंबर ऑफ साइड मैंने 6 ही दे दी फॉर एग्जाम्पल, एंटर, आप कह रहे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, स्पेसिफाई पॉइंट भी आप दे दो। तो पहले हमने इंस्क्रिप्ट सर्कल पे काम किया था, अब हम जो है तो सर्कमस्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सी प्रेस करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, सी एंटर किया मैंने, स्पेसिफाई रेडियस दे दें आप, तो मैं 4 फुट रेडियस दे देता हूँ, एंटर करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे काम करते हैं, इस पे देखते हैं इसमें आप रेडियस कैसे चेक करेंगे, तो इसका भी वही प्रोसेस, में वही काम करता हूँ बेसिकली, इसके लिए भी मैंने 6 के पेयर बनाया, तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ, लाइन लेता हूँ, एल एंटर और एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट इसके लिए मैं सी एंटर करता हूँ, सॉरी सर्कल आप सी भी एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट,
तो मैं सी एंटर करता हूँ, सर्कल के सी एंटर पॉइंट, और यहाँ पे हमने क्या दिया था, फोर, 4 फुट रेडियस दिया था, 4 फुट में देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब इसमें देखें और इसमें देखें दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे हमारे पास, मैं इसे मूव करता हूँ, इसे करीब लेके जाता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और थोड़ा सा इसे करीब लेके आता हूँ, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास जो आई हमने इसमें और इसमें ये फर्क है हमारे पास कि यहां पे हमारे पास जो रेडियस के लिए सर्कल है वो इसके अंदर इंसर्ट हुआ है, जबकि इसमें क्या हुआ हमारे पास बाहर हुआ है। तो ये फर्क होता है नहीं। उसके अलावा मैं यहां पे दोबारा से मैं एक और में देता हूँ, यहां पे पॉलीगन शेप देता हूँ, नंबर ऑफ साइड में 7 दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेयर एंड बने हुए 7 दे दिए मैंने साइड्स, स्पेसिफाई पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे, और सर्कमस्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो सी प्रेस करता हूँ, सी एंटर करता हूँ और 4 फिट में इसे रेडियस देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस वही है रेडियस चेक करने का, पहले का एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, सामने वाले का 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 सेंटर पॉइंट, सी एंटर, सर्कल के लिए सी एंटर, 4 फुट, ठीक है। ये भी एक्यूरेट है, हमारे पास देख सकते हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस, कुछ तरीके थे जी सर्कल पॉलीगन के और पॉलीगन में रेडियस को चेक करने के कुछ प्रोसेस थे। अब इसमें एक और काम करते हैं। अब देखें बेसिकली इसका डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ, इसकी डायमेंशन में तो मैं यहां से लीनियर डायमेंशन की चेक करता हूँ। इसकी डायमेंशन कितनी है, 1.8 है। इसकी डायमेंशन कितनी है जी, 4.7 है, मतलब 4.7 मीन के 4 फुट 7 इंच है। उसके अलावा इसकी डायमेंशन देखते हैं कितनी है, 4 फुट है। अब देखें हर एक की डायमेंशन अपनी अपनी और अलग अलग है, आप देख सकते हैं इनके जो नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी बिल्कुल एक्यूरेट साइड्स हो, एक्यूरेट इनके बिल्कुल एक ही जैसी साइड्स हो और उनकी डायमेंशन भी एक जैसी हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट पॉलीगन शेप लोगे, एंटर नंबर ऑफ साइड ले लो, मैं 5 साइड लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर और पॉलीगन और एज, कह रहा है कि आपने स्पेसिफाई आपने सेंटर पॉइंट पॉलीगन का सेंटर पॉइंट लें या फिर एज लें। तो एज क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ साइड्स मैंने दिए हैं उनकी मैं एक्यूरेट इक्वल में डायमेंशन लेना चाहता हूँ, तो मैं ए प्रेस करता हूँ एज के लिए, ई एंटर करें। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट और एज, आपने एंड पॉइंट आपने देना है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट जो होता है वो कितना आप देना चाहते हैं, तो वो मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ 2 फुट, एंटर। अब यहाँ पे बेसिक मैंने बहुत बड़ा दे दिया, चले खैर है, इसको कहीं पे भी क्लिक करें, मैं जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस, क्योंकि मैंने साइज का काफ़ी बड़ा दे दिया। अब देखें यहाँ पे अब मैं इसकी डायमेंशन आपको चेक करवाता हूँ, लीनियर डायमेंशन या फिर आप एंगुलर, ये इसमें दोनों ये एक्यूरेट होती है, देख सकते हैं 35। थोड़ा सा इसमें और करता हूँ, चेंजिंग लाता हूँ, इन सारे को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसमें मैं काम करता हूँ, आपको बताता हूँ प्रोसेस इसका। तो मैं यहाँ से पॉलीगन लेता हूँ दोबारा, नंबर ऑफ साइड्स 5 ही मैंने दे दी, एंटर, और क्या था स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पॉलीगन और एज, तो मैं एज लेना चाहता हूँ तो मैं ई प्रेस करता हूँ,
कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट, तो आप क्लिक कर दें, बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक कर दें, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, क्लिक करके आप इसे मूव करें। अब देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल इस तरह मूव हो रहा है, तो मैं आप F8 प्रेस करें, F8 से क्या होगा कि बिल्कुल सीधा मूव करेगा। मैं F8 प्रेस करता हूँ, अब देखें आप इसे सही आप प्रेस कर सकते हैं, आप देखें ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ये मूव करता रहेगा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 4 फुट का ही देता हूँ, 4 फुट एंटर करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास एक पॉलीगन एंजर्ट हो गया। अब इसका मैं आपको इसका डायमेंशन ही बताता हूँ कितनी है, 4 आप देख सकते हैं, चार, दोबारा मैं बताता हूँ, ठीक है, तो सबकी इक्वल आ रही है। तो ये था हमारे पास पॉलीगॉन, और हमने पॉलीगॉन को मुख्तलिफ तरीकों से हमने उस पर काम किया, पॉलीगॉन को इंसर्ट किया, उसका डायमीटर, उसके एज वगैरह पे काम किया, और काफ़ी डिटेल से हमने पॉलीगॉन को देखा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बार बार इस चीज़ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।